ये देखिए हम लोग अभी गेट पार होकर आए हैं और यहाँ पे एक सुंदर सा चौराहा पे बनाया गया है सिस्टम, और नज़दीक से देखेंगे ये बहुत सुंदर असम सरकार ने बनाया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है असम मेडिकल कॉलेज, बहुत ही सुंदर से ये देखिए आप लोगों ने देखिए शुरू होता है असम मेडिकल कॉलेज। और आप लोगों को दिखाएंगे पहले OPD, फिर कैजुअल्टी, फिर ब्लड बैंक और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड पॉइंट। देखिए यहाँ से OPD शुरू होता है, पूरा एम्बुलेंस भरा हुआ है पूरा बिल्कुल चारों तरफ। यहाँ से OPD कॉम्प्लेक्स चलिए दिखाते हैं, नज़दीक में है। और ये डिब्रूगढ़ को मेडिकल का हब माना जाता है असम के अंदर, पूरे असम में पूरे नॉर्थ ईस्ट में विख्यात है डिब्रूगढ़ चिकित्सा विभाग के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए, मेडिकल विभाग के लिए। चलिए देखते हैं, मालूम नहीं है अंदर अलाव है कि नहीं है कैमरा करना, लेकिन चलिए जाके देखते हैं। ये है OPD, देखिए ये है असम मेडिकल कॉलेज का OPD विभाग। और यहाँ से टिकट बनाना पड़ता है, इधर पुरुष और इधर महिला, यहाँ पे लाइन लगा के टिकट बनाना पड़ता है पहले, और फिर या तो इधर आपको डॉक्टर को दिखाना जाना पड़ेगा या इधर जाना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत विभाग है, हम यदि सारे दिखाएंगे तो पूरा दिन भर गुजर जाएगा, इसलिए हम लोग बहुत शॉर्ट में बताएंगे आप लोग कहाँ कहाँ क्या क्या है। और ये हो गया OPD, अभी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कैजुअल्टी विभाग। और देखिए इस साइड भी टिकट बनता है, यहाँ पे मेल काउंटर है, मेल का काउंटर है इस साइड, यहाँ पर भी टिकट बनता है। बहुत ही बड़ी है असम मेडिकल कॉलेज, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अभी कैजुअल्टी। देखिए ये है इमरजेंसी विभाग कैजुअल्टी, ये है असम मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी विभाग, ये लोग है सिक्योरिटी गार्ड। तो देखिए ये है असम मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी विभाग कैजुअल्टी विभाग, यहाँ पे माना है बोल रहे हैं अंदर में वीडियो बनाना। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ब्लड बैंक और एक्सरे डिपार्टमेंट। इमरजेंसी विभाग से थोड़ा आगे जाके राइट लेना पड़ता है ब्लड बैंक जाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों यहाँ से थोड़ा आगे जाके हम लोग को राइट लेना पड़ता है, और चलिए देखते हैं ब्लड बैंक कहाँ है। यहाँ से फिर राइट लेंगे, देखिए यहाँ से राइट टर्न है, राइट टर्न लेंगे और आगे जाएंगे। दोस्तों असम मेडिकल कॉलेज द्वारा यहाँ बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बनाया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो भी न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट या न्यूरोलॉजिस्ट सर्जरी यहाँ पे होता है। दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं ब्लड बैंक, यहाँ से भी पेशेंट बहुत निकल रहे हैं, चलिए किसी से पूछते हैं ये क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है। देखिए बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, और बीच में कभी भी आप लोगों को दवा की आवश्यकता हो मेडिसिन की तो यहाँ पे है संजीवनी ड्रग सेंटर दिखे। और ये है ब्लड बैंक, हम लोग पहुँच गए हैं डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज का ब्लड बैंक, असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का ब्लड बैंक। दोस्तों बहुत सारे लोग आए हुए हैं ब्लड लेने, देखिए लाइन लगाकर कैसे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग ब्लड बैंक देख लिए, अभी हम लोग जाएंगे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पॉइंट देखने, और जाते जाते देखेंगे रास्ते में असम मेडिकल कॉलेज का क्या क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मातृ और शिशु सेवा चिकित्सालय अखम चिकित्सा महाविद्यालय, मतलब यहाँ पे जो भी डिलीवरी केस वगैरह आते हैं तो वो यहाँ पे एडमिट की जाती है। देखिए बहुत ही बड़ा है बिल्डिंग, यहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे और गर्भवती मातृ को यहाँ पे एडमिट किया जाता है। तो आगे नहीं जाएंगे, बहुत जगह यहाँ पे माना है वीडियो बनाना। तो चलिए आगे चलते हैं एक्सरे पॉइंट की ओर। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ
रेडियो डायग्नोसिस, यहाँ पे एक्सरे होता है और अल्ट्रासाउंड होता है। चलिए नज़दीक से दिखाएंगे। देखते हैं यहाँ भी अंदर कैमरा करने के लिए देता है कि नहीं। यहाँ तो शायद अंदर कैमरा करने के लिए। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाने देते हैं। अरे यहाँ तक ही जाने देंगे। यहाँ एक्सरे कराने के लिए लोग बैठे हुए हैं, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए। देखिए आगे एक्सरे का काउंटर है, चलिए दिखाते हैं। आप लोग कभी भी यदि पेशेंट लेकर आएंगे तो गाड़ी से उतरने के बाद, प्राइवेट कार नहीं होगा तो आप लोग ई रिक्शा लेकर आइएगा, बहुत ही दूर पड़ता है। देखिए यहाँ है एक्सरे रिसेप्शन काउंटर, यहाँ पे आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों का अल्ट्रासाउंड का टिकट लेना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। और देखिए प्लास्टर किया हुआ है और इधर है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का। देखिए कितने लोग लाइन लगे हुए हैं यहाँ। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में मैंने असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ के चार चीज़ें कहाँ कहाँ है वो दिखाई। फिर से एक बार बताता हूँ, यदि आप लोग मेडिकल कॉलेज के ओपीडी आना चाहते हैं तो मैं मुख्य गेट जो है चौराहे के पास से राइट आप लोग लेंगे, राइट लेके थोड़ा सा आएंगे तो आप लोगों को मिलेगा ओपीडी। और यदि आप लोग इमरजेंसी जाना चाहते हैं तो चौराहे के पास से सीधा चले जाइएगा थोड़ी दूर तो आप लोगों को मिलेगा इमरजेंसी विभाग। और दोस्तों आप लोग यदि ब्लड बैंक जाना है तो इमरजेंसी विभाग से थोड़ा आगे जाके राइट लेंगे और थोड़ा आगे जाके और एक राइट लेंगे तो आप लोगों को मिलेगा ब्लड बैंक। और दोस्तों आप लोगों को यदि एक्सरे अल्ट्रासाउंड पॉइंट जाना है तो आप लोग मेडिकल चौराहे से सीधे 700-800 मीटर चले जाइएगा और एक राइट लीजिएगा तो आप लोगों को मिलेगा एक्सरे अल्ट्रासाउंड पॉइंट। तो दोस्तों मेरा आज का यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।